नमस्कार साथियों, अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से SSC GD कांस्टेबल के लिए हमने रीजनिंग के एक सफलता बैच की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो करवाते हैं, ठीक है। इस सीरीज के अंदर हम 26 भाग पहले से डाल चुके हैं, आज ये भाग नंबर आपका रहेगा 27, ठीक है, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, नंबर कॉलम्स एंड रो, ठीक है। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं संख्या स्तंभ एवं पंक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों। यहां से SSC GD या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। साथियों, आज इसको फुल कंसेप्ट और अमेजिंग ट्रिक के साथ इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और प्यारे साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं नंबर कॉलम एंड रो, ठीक है, और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं संख्या स्तंभ एवं पंक्ति, ठीक है। इसका सिंपल सा मीन है, आप इसका जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक का मीन है संख्या स्तंभ एवं पंक्ति के अंतर्गत कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियां एवं स्तंभों में दी गई रहती हैं। जैसे कि साथियों यहां पे देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहां पर पंक्ति और स्तंभ दिए गए, ठीक है, और इनके अंदर कुछ संख्याएं दी गई है, ठीक है। संख्याओं का क्रम किसी विशेष नियम के अनुरूप नहीं होता है, को यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं ये किसी विशेष नियम के अनुरूप नहीं होती हैं, ठीक है, परंतु दो या दो से अधिक पंक्तियां या स्तंभ में दी गई संख्याओं का आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध रहता है। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, आपको यहां पर जो पंक्ति दी गई है या स्तंभ दी गई है, ठीक है, इनमें दो पंक्ति या दो स्तंभ या तीन पंक्ति या तीन स्तंभ आपस में कोई ना कोई उनका संबंध रहेगा। किस प्रकार से रहेगा वो अभी हम कुछ समय बाद आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि समान पैटर्न पर आधारित इन पंक्तियों या स्तंभों को पहचाने तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहां पर ये जो पैटर्न दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको यहां पर पंक्ति है और यहां पे स्तंभ है, ठीक है, और यहां पे अंदर कोई संख्याएं दी गई है, इनमें कोई विशेष पैटर्न का नियम लागू किया गया है, ठीक है, उस पैटर्न को हमें पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निर्देश कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियां स्तंभों में दी गई है, इनमें से कौन सी पंक्तियां स्तंभ आपस में किसी प्रकार से संबंध है। नीचे जैसे कि 4 ऑप्शन आपके पास है, सबसे पहला ऑप्शन पंक्तियां 1, 2, 3, सेकंड है पंक्तियां 1, 4, 5, 3 नंबर आपके पास है पंक्तियां 2, 3, 4, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है पंक्तियां 2, 4, 5। तो पंक्ति आपकी ये रहेंगी, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस प्रकार से पंक्ति को आपको काउंट करना है, ठीक है। अगर इन पंक्ति के स्थान पे आपको स्तंभ लिखा मिले, क्या लिखा मिले प्यारे साथियों, स्तंभ यानी कॉलम लिखा मिले, तो आपको काउंटिंग करना है ऊपर से नीचे इस प्रकार से, ठीक है। किस प्रकार से करना है अभी हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें केवल 2 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहली टाइप रहेगी आपकी पंक्ति यानी कि रो से रिलेटेड, ठीक है, और उसके बाद सेकंड टाइप रहेगी आपकी स्तंभ यानी कि कॉलम से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास पंक्तियां 1, 2, 3, तो सबसे पहले पंक्ति आपकी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में कोई पैटर्न लागू है उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अगर पंक्तियां 1, 2, 3 तीनों में आपका पैटर्न सेम अप्लाई है तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन ए गलत है तो उसके बाद 1 by 1 ऑप्शन आपको यहां पे चेकआउट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो पंक्ति है आपकी 1 नंबर में जो नंबर दिए गए यहां पे देखने की कोशिश कीजिएगा, 6, 24, 36, 48, 60, तो इसमें किस पैटर्न को फॉलो किया है उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 6 से 24 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 1 से 2 नंबर में ध्यान से देखें, तो 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करें, 6×24 नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 6×36 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6×36। ठीक है, इसी प्रकार से 6×48 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें, 6×8 48। ठीक है, इसी प्रकार से 6×60 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 6 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब पहली जो पंक्ति आपकी दी गई है, 6×24 4 से मल्टीप्लाई, 6×36 6 से मल्टीप्लाई, 6×48 8 से मल्टीप्लाई, 6×60 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसी पैटर्न को फॉलो आपको सेकंड पंक्ति में करना है, जिस प्रकार की ये पंक्ति दी गई आपकी 5, 20, 25, 30, 45। तो इसमें ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले 5 से 20 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 5×20। इसके बाद 5 से 25 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 5×5 25। इसके बाद 5 से 30 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 5×30। इसके बाद 5 से 45 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 45। तो साथियों यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर जो आपका पैटर्न है इसमें मल्टीप्लाई है 4, 6, 8, 10। ठीक है, जबकि जो नीचे आपको यहां पे नंबर दिए गए ये कितने नंबर से मल्टीप्लाई है, पहली संख्या को पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर इसका मतलब ये जो दोनों पैटर्न दिए गए हैं इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिए, पंक्तियां 1, 4, 5। सबसे पहले पंक्ति आपकी 1 नंबर, इसके बाद पंक्ति आपकी 4 नंबर, और इसके बाद 5 नंबर को आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, इसमें किस पैटर्न को फॉलो किया है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो ये पंक्ति है इसको हमने अभी चेक आउट किया है, 6 से 24 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 6×24, 6×36, 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6×48 अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें, और 6×60 अगर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें। अभी आपकी फर्स्ट पंक्ति के अंदर इस सीरीज को फॉलो किया गया। ठीक है, पहले नंबर को पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, फिर 8 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में 10 नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान से देखिए आपकी जो पंक्ति नंबर यहां पे 4 है, इसमें जो नंबर आपको दिए गए 7, 28, 42, 56, 70। तो यहां पे कांसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले 7 से 28 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद 7 से 42 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 7 से 56 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें। और इसके बाद 7 से 17 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब प्यारे साथियों, आपका सेकंड पैटर्न भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर सेम नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई, ऊपर आप ध्यान से देखिए 4, 6, 8, 10, इसके बाद नीचे देखिए 4, 6, 8, 10, अगर दोनों में इक्वल है तो आपको लास्ट ऑप्शन को भी यहां पे चेक आउट करना है। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन आपके भिन्न-भिन्न है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन को यहां पे चेक आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत रहेगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट ऑप्शन को चेक आउट कीजिए, 8 से 32 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 8×32। इसके बाद 8 से 48 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 8×48। इसके बाद 8 से 64 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 8 से 80 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब साथियों, आपका ये पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, सबसे पहले की सीरीज देखिए, इसके बाद सेकंड, और इसके बाद लास्ट 4, 6, 8, 10 से इसमें मल्टीप्लाई किए गए हैं सभी नंबर को। ठीक है, अब यहां पे देखने की कोशिश कीजिएगा तीनों पंक्तियों में कौन कौन से पंक्ति 1, 4, 5 में सेम कैलकुलेशन को यहां पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, सेकंड के साथ, कौन सा साथियों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1, 4, 5 में एक जैसी समानता है, पहले नंबर को 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से यहां पे मल्टीप्लाई का पैटर्न लागू किया है। ठीक है, बस सिंपली आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को यहां पे चेक आउट करना है। ठीक है, पंक्ति में आपको इस प्रकार से करना है और कॉलम में किस प्रकार से करना है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आपका जो कांसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। और प्यारे साथियों, इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए इस
इसी प्रकार की एक टाइप को और डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी पैटर्न पे आपके सामने एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। सबसे पहले ऑप्शन को आप यहां पे चेकआउट कीजिए। आपके पास अब पंक्तियां 1, 3, 4, सबसे पहली पंक्ति आपकी, ठीक है, एक के बाद इसमें 3 नंबर की पंक्ति और 3 के बाद नंबर की जो पंक्तियां दी गई, इसमें किसी ने किसी पैटर्न को यहां पे लागू किया है। वो किसी भी प्रकार का पैटर्न लागू हो सकता है, आपको सिंपली उसको चेकआउट करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के रूल यहां पे लागू हो सकते हैं, वो चाहे मैट्रिक्स से रिलेटेड हो आपके, मिसिंग नंबर से रिलेटेड हो आपके, या आपके सीरीज से रिलेटेड किसी भी प्रकार के पैटर्न को यहां पे फॉलो किया जा सकता है। ये सभी टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली जो पंक्ति आपके सामने यहां पे नंबर देखने की कोशिश कीजिएगा, 7, 14, 42, 168। तो इसमें कंसेप्ट क्या है? तो साथियों, सबसे पहले 7 से 14 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14। इसके बाद 7 से 42 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 7 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें? 7 × 42 यानी 6 नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 7 से 168 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 7 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें? 24 नंबर से मल्टीप्लाई करें। कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 168। इसका मतलब पहली पंक्ति में साथियों किस सीरीज को फॉलो किया है? पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, फिर 24 से। ठीक, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पंक्ति, इसको आप चेकआउट कीजिए, 3 नंबर, 9, 18, 54, 216। तो ध्यान से देखिए, 9 से 18 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद 9 से 56 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद 9 से 216 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 9 को हम 24 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो आपकी पंक्तियां दी गई, इसमें पैटर्न बिल्कुल इक्वल है। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से, फिर 24 से यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट पंक्ति दी गई है, 4 में ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले ऑप्शन में 1, 3, 4 है। ठीक है, तो आप इस पंक्ति में ध्यान से देखिए, जो नंबर आपको दिए हैं 10, 20, 60, 240। तो ध्यान से देखिए, 10 से 20 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 × 2 = 20। 10 से 60 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 10 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार 10 से 240 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 10 को हम 24 से मल्टीप्लाई करें। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपके सामने है। आपकी पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में एक सेम कैलकुलेशन को यहां पे अप्लाई किया है। और कैलकुलेशन क्या है? पहले नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, फिर 24 से यहां पे मल्टीप्लाई की सीरीज फॉलो की गई है। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? 1 नंबर के साथ। 1 नंबर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4। अगर मान लीजिए साथियों आपका ए ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो, गलत हो, तो आपको जो नीचे ऑप्शन मिलेंगे उनको आपको 1 by 1 आपको चेकआउट करना है। करते हैं फर्स्ट के टाइप के क्वेश्चन, रो से रिलेटेड यानी कि पंक्ति से रिलेटेड आप क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप को लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आपके सामने है कॉलम से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो पिछली टाइप हमने डिस्कस की है रो से रिलेटेड यानी पंक्ति से रिलेटेड, अब आपके टाइप है कॉलम यानी स्तंभ से रिलेटेड। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने स्तंभ 1, 2, 4। ठीक है, स्तंभ 1, 2, 4, इसका मतलब आप ऊपर से ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर आपका यहां पे 1 नंबर, इसके बाद आपका यहां पे 2 नंबर और इसके बाद आपका यहां पे 4 नंबर। जो ये स्तंभ में आपको नंबर दिए, इस प्रकार के जो नंबर दिए, इनमें कोई ना कोई कैलकुलेशन आपकी इस प्रकार से सेम रहने वाली। ठीक है, सभी के अंदर जो कैलकुलेशन दी जाए साथियों, अगर सेम है तो वही ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट। किस प्रकार से? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला आपका जो 1 नंबर है और 2 नंबर है, इसमें आप समानता देखिए। इस 4 से 12 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें? यहां पे 3 नंबर से। 4 × 3 = 12। ठीक है, इसके बाद 2 से 4 में समानता देखिए। 12 से 48 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 4 = 48। ठीक है, इसका मतलब प्यारे साथियों, पहले स्तंभ से सेकंड स्तंभ में जाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। इसके बाद दूसरे स्तंभ से चौथे स्तंभ में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना हमें? 4 नंबर। ठीक है, तो इसी प्रकार का पैटर्न आपको लास्ट तक अप्लाई करना है। तो कीजिए, इसका मतलब पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जो नंबर यानी 7 से 14 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 7 ×
14। और आप ऊपर ध्यान देखने की कोशिश कीजिए, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ के नंबर को प्राप्त करने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12, जबकि यहां पे 7 × 2 कितने हैं, 14। आपका यहां पे पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहली सीरीज में जो नंबर दिए साथियों, ये देखिए 4 × 3 = 12 और यहां पे 7 × 2 = 14, इसका मतलब यहां पे पैटर्न अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, गलत। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको कंप्लीट चेकआउट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका जो ऊपर सीरीज दिया गया है उसी प्रकार का पैटर्न आपका नेक्स्ट में अप्लाई होना चाहिए, जबकि आप यहां पे देख पा रहे 7 × 14 है और ऊपर 4 × 3 = 12। पहले स्तंभ में साथियों एक नंबर से दूसरे स्तंभ में जाने के लिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 4 × 3 = 12 की दूसरी कैलकुलेशन में प्यारे साथियों 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, देखिए 7 × 2 यहां पे 14 नंबर आपके सामने, ठीक है, जबकि ऊपर की सीरीज में 3 से मल्टीप्लाई और यहां पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई है, 2 से। इसका मतलब ये सीरीज आपके अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन को आप चेकआउट कीजिए, आपके सामने स्तंभ में है 2 नंबर आपका, ठीक है, कौन सा स्तंभ आपका, 2 नंबर, इसके बाद आपका 3 नंबर और इसके बाद आपका 5 नंबर, ठीक है। इसमें जो ये नंबर दिए गए साथियों इनमें कोई कैलकुलेशन मिलने वाली है और वो सेम पैटर्न पर आधारित रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 2 से 3 में फिर 3 से 5 में क्या समानता है, तो सबसे पहले 2 से 3 में ध्यान से देखिए, 2 से 3 यानी 12 से 24 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 2 = 24, ठीक है। इसी प्रकार से 24 से 96 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है साथियों, दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई है, 2 से, और तीसरे से पांचवें स्तंभ में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई है, 4 नंबर से, ठीक है। इसी प्रकार से पूरी सीरीज को आपको यहां पे चेकआउट करना है, ध्यान से देखें, सेकंड नंबर हमारे पास है यहां पे देखिए 14 से 28, 14 से 28 को प्राप्त करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 14 × 2 = 28, और 28 से 112 प्राप्त करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। इसका मतलब यहां तक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चेकआउट कीजिए, 18 से 36 को प्राप्त करने के लिए 18 × 36, और 36 से 144 प्राप्त करने के लिए 36 × 144। इसके बाद नेक्स्ट चेकआउट कीजिए, 10 से 20 को प्राप्त करने के लिए 10 × 20, 20 से 80 को प्राप्त करने के लिए 20 × 80, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सीरीज ठीक है। इसके बाद लास्ट सीरीज को चेकआउट कीजिए, 18 से 36 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और 36 से 144 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर रहेगा कौन से ऑप्शन के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ, 2, 3 और 5 स्तंभ आपका बिल्कुल राइट है। कंसेप्ट आप उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं, सबसे पहले दूसरे से तीसरे स्तंभ में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई है, 2 से, ठीक है, और 3 से 5 नंबर में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई है, 4 नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है साथियों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए 2 से 3 में जाने के लिए सभी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 नंबर से, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, 12 × 2 = 24, 14 × 2 = 28, 18 × 2 = 36, 10 × 2 = 20 और 18 × 2 = 36, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे से पांचवें स्तंभ में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई, 4 नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप ध्यान से देखिए, 3 से 5 में जाने के लिए 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 नंबर, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 नंबर, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 नंबर, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 नंबर, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 नंबर यहां पे प्राप्त होने वाले। इसका मतलब यहां पे जो पैटर्न लागू होगा वो किस प्रकार से, 2 से 3 स्तंभ में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 से 5 स्तंभ में जाने के लिए 4 से यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और सॉल्व आउट करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों ये स्तंभ से रिलेटेड आपके टाइप है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी प्रकार से इसमें कोई पैटर्न इसमें लागू होने वाला है, आप उसको चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है स्तंभ 1, 2, 3, ठीक है, आपका जो स्तंभ 1 नंबर है, उसके बाद आपका 2 नंबर है, उसके बाद आपका 3 नंबर है, ठीक है, इनमें कोई ना कोई पैटर्न लागू होगा, उसको आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार की कैलकुलेशन यहां पे की गई है। तो ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले 1 से 2 स्तंभ में जाने के लिए किस पैटर्न को फॉलो किया, ध्यान से देखिए, 5 से 10 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 = 10,
ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ में जाने के लिए हमें क्या करना होगा साथियों, 10 से 15 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप यहां पे कह सकते हैं सर 5 को ऐड किया जा सकता है, कितने नंबर को 5 को यहां पे ऐड किया जा सकता है। लेकिन आप नीचे ध्यान से देखने कोशिश कीजिएगा, जब हम सेकंड कैलकुलेशन में चलेंगे तो 4 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो यहां पे आपके 10 नंबर प्राप्त होने चाहिए, जबकि यहां पे कितने नंबर हैं 6 नंबर है। इसका मतलब यहां पे 5 नंबर की वृद्धि नहीं की गई है। तब इसके बाद हमें कोई नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करना है, तो आप ध्यान से देखिए 10 से 15 प्राप्त करने के लिए अगर हम 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से साथियों 1.5, ठीक है, यानी 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं हमें 15 नंबर, ठीक है ठीक है। इसका मतलब प्यारे साथियों हमारा जो कंसेप्ट है 1 से 2 में जाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, और 2 से 3 नंबर स्तंभ में जाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तो आप कंप्लीट चेकआउट कीजिए, अभी देखिए आप 2 से 4 को प्राप्त करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 4, ठीक है, और 4 से 6 को प्राप्त करने के लिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 1.5 से। 1.5 से मल्टीप्लाई का मतलब यहां पे हमें 60 नंबर प्राप्त होंगे, यानी कि 6.0, तो पॉइंट के बाद 0 का यहां पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 6 नंबर, सिंपली यहां पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप नेक्स्ट में चेकआउट कीजिए 8 से 16 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं 8 × 16, ठीक है। इसी प्रकार 16 से 24 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 16 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें यहां पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे 240, और पॉइंट यहां पे होगा 24 के बाद, तो 0 का यहां पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 24। इसी प्रकार से 12 से 24 को प्राप्त करने के लिए 12 × 24, और 24 से 36 को प्राप्त करने के लिए 24 को कितने से मल्टीप्लाई 1.5 से, अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर प्राप्त होंगे 360 पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 का रोल नहीं है, तो यहां पे कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें 36। इसी प्रकार से लास्ट को चेकआउट कीजिए 4 से 8 को प्राप्त करने के लिए 4 × 8, ठीक है, और 8 से 12 को प्राप्त करने के लिए 1.5 से यहां पे मल्टीप्लाई करना है, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1.20, तो 0 का यहां पे कोई रोल नहीं है, तो यहां पे कितने नंबर प्राप्त होंगे 12 नंबर। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है किस ऑप्शन के साथ, 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। कांसेप्ट आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है प्यारे साथियों, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई है 2 नंबर से, ठीक है, और 2 से 3 में जाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई है 1.5 से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब आपका जो कांसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका 1 के साथ, ठीक है। 1 से 2 में पहुंचने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से 3 में पहुंचने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई। आप यहां पे चेकआउट कीजिए दोबारा से, 5 से 10 को प्राप्त करने के लिए 5 × 10, 2 × 4, 8 × 16, 12 × 24, और 4 × 8, इसका मतलब पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ में पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई है 2 नंबर से, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ में पहुंचने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से, तो ध्यान से देखिए 10 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15.0 प्राप्त होगा, तो 0 का यहां पे कोई रोल नहीं है, तो कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 15 नंबर। इसी प्रकार से 4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नंबर। इसी प्रकार 16 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नंबर, 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई 36 नंबर। इसी प्रकार से लास्ट जो नंबर हमारे पास है 8, अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे यहां पे 12, यानी कि 12 नंबर। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। पहली टाइप हमारी रही रो से रिलेटेड यानी कि पंक्ति से रिलेटेड, और सेकंड हमारी रही कॉलम यानी कि स्तंभ से रिलेटेड। तो दोनों टाइप को हमें किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है, उम्मीद करते हैं अब आप अच्छे लेवल से इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो प्यारे साथियों अभी जो पिछली टाइप हमने आपसे डिस्कस की है कॉलम से रिलेटेड यानी कि स्तंभ से रिलेटेड, उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, ठीक है। आप इसका जो भी राइट आंसर है
कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर किया है। रो से रिलेटेड क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं और कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न को ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के पैटर्न यहाँ पे लागू किए जा सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका सम विषम भाज्य अभाज्य किसी भी प्रकार के नंबर से यहाँ पे कैलकुलेशन की जा सकती है, ठीक है। जितने भी सीरीज से रिलेटेड आपके पैटर्न है, मैट्रिक्स से रिलेटेड पैटर्न आपके हैं, आपके मिसिंग नंबर से रिलेटेड जो भी पैटर्न है, सभी प्रकार के पैटर्न यहाँ पे लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक हमने वन बाय वन करके यहाँ पे कंप्लीट करवा रखे हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज का जो टॉपिक रहा, इसके जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।